जय श्री कृष्णा बहनों, आप कैसे हो? मेरे कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो देखो, आज मैं फिर से ढोलक की वीडियो लेकर आई हूँ। मैं पहले भी काफी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो अब मैं फिर से बताने जा रही हूँ। और बहनों, ये इतनी सिंपल वीडियो है, इतनी सरल वीडियो है कि इसे एक बच्चा भी बजा सकता है। और इसमें ढोलक की चाटियाँ, ऐसे चाटी में उंगली चलानी नहीं होती, क्योंकि बहुत सी बहनें मूझ जाती हैं कि उंगली हमें क्या चलानी है, कैसे चलानी है, कितनी देर में बदलाव करना है, ये सब इसमें कोई झंझट नहीं है। तो बहनों, सबसे पहले आप मेरी ये वाली वीडियो देखें, इसके बाद में थोड़ा थोड़ा उंगली चलाना की वीडियो आगे आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें, इस ढोलक में चाटी की तरफ उंगली चलानी नहीं होती, बहुत सिंपल ढोलक है। और देखो बहनों, ये इतनी अच्छी ढोलक है, इसको हम तीन थापी वाली ढोलक बोलेंगे और चार गिनतियों वाली ढोलक है। तो ये तीन थापी वाली ढोलक जो होती है, ये हर किसी गाने में मैच हो जाती है। धीरे जल्दी वाला हो तो जल्दी बजाओ, धीरे वाला हो तो धीरे बजाओ, और ये कैसे भी किसी तरह का डांस हो, सभी डांस में चल जाती है। और थापी तो हम तीन ही बजानी होती है, किसी में गुम्मक बजानी होती है तो किसी में सिंपल तीन थापी बजानी होती है। और चांटी में हमारा बदलाव हो जाता है, किसी ढोलक में कैसे भी चांटी बजती है, किसी ढोलक में कैसे भी। तो आज मैं आपको सबसे पहले बहुत सिंपल चाटी बताने जा रही हूँ, इतनी सिंपल है कि इसे बच्चा भी बजा सकता है। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा उंगली चलाने वाली वीडियो आपको बताऊंगी। तो आइए, ज्यादा देर ना करें। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो, ढोलक की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और मेरी वीडियो को सीखती रहे। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बहनों, और कमेंट हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आइए सुनाते हैं आपको, बताते हैं। तो देखो बहनों, हम पहले आपको थापी का बेस बताएंगे। तो देखो, ये चौड़ा वाला बेस जो होता है, इसमें मसाला लगा हुआ होता है, ये थापी वाला बेस होता है। तो देखो, इसमें हम तीन थापी बजाएंगे, ऐसे एक दो तीन, एक दो तीन, आराम से और धीरे धीरे बताऊं आपको, एक दो तीन, एक दो तीन। दो गिनती तो हमें जल्दी की होती है, गिननी होती है, और एक हल्का सा गैप करना होता है, जैसे एक दो तीन, हल्का सा हाथ उठा के तीसरी को फिर मार देते हैं, ऐसे एक दो तीन, इस तरीके से हमें थापी का बेस बजाना है। और देखो बहनों, ये चांटी का बेस है, ये छोटा हिस्सा होता है, इसमें मसाला लगा हुआ नहीं होता है और इसकी महीन आवाज होती है, तो इसको हम चांटी का हिस्सा बोलते हैं। तो देखो, इसकी महीन आवाज है। तो हम इसको कैसे बजाएंगे, तीन थापी पूरी होने के बाद हम चांटी को सिर्फ ऐसे प्रेस करेंगे एक बार। तो तीन गिनती हमारी थापी में हो गई और एक गिनती हमारी चांटी की तरफ हो गई, ऐसे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऐसे उठाना है हाथ, ऐसे मारना है, ऐसे हमें बीच में नहीं बजाना, बीच में आवाज अच्छी नहीं आती, हम किनारे पर ही बजाएंगे, ऐसे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो हम आपको दोनों को मैच करके बताते हैं कि ढोलक कैसे बजेगी। चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, आपको इस तरीके से दिखाती हूँ। मैं यहाँ चाटी का हिस्सा बजाऊंगी और थापी का हमारा थापी के बेस पर रहेगा, तो आप देखें, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब मैं देखो, इधर चाटी का हिस्सा रखती हूँ और इधर मैं थापी का बेस बजाती हूँ, तो आपके समझ में आ जाएगा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार, इसमें तुम्हें बिल्कुल भी झंझट नहीं करना है, ना ध्यान रखना है कि थापी के हमें बीच में चांटी लेनी है और कितनी उंगली बजानी है, कोई झंझट नहीं है इसमें। सिंपल ढोलक है, एकदम बहुत अच्छी वीडियो है, इससे सिंपल वीडियो और कोई नहीं आएगी। और इससे थोड़ा थोड़ा कठिनाई आएंगी, क्योंकि उसमें हमें
ये उंगलियां चलानी पड़ेंगी, इसमें सिर्फ ऐसे करना है। और हर किसी गाने पर बजा सकती हो, हर किसी डांस पर बजा सकती हो इसे। तो देखो दोनों को मैं मैच करके दिखाती हूँ आपको। एक जरूरी बात बताऊं मैं आपको, जैसे हम चाटी थापी बजाएंगे तो तीसरी थापी पर हम अपने हाथ को ऐसे ही रोके रखते हैं, और जब तक हम इसको चौथी को नहीं मार देते चाटी की तरफ, तब तक हम इस हाथ को नहीं उठाएंगे। देखो देखो ऐसे, चार, चार, फिर इसको उठाएंगे, फिर बजाएंगे, चार, चार। इस तरीके से हमें थापी का बेस बजाना है। तो देखो हम मैच करके दिखाते हैं आपको। देखो जल्दी जल्दी हम बजाएं इसको, और जल्दी जल्दी पे डांस बहुत अच्छा, बहुत सी लेडीज हैं जल्दी ढोलक पे बहुत अच्छा डांस करती हैं, और बहुत सी लेडीज पर धीरे धीरे डांस आता है, तो उस पर हमें धीरे धीरे बजानी है। तो अब तो मैंने बजाई थी धीरे धीरे, अब मैं आपको जल्दी जल्दी बजा के दिखाती हूँ। देखो ये हमारी जल्दी की हो गई। अब हम आपको सामने बताते हैं, अगर आपके समझ में नहीं आई हो तो यहाँ अच्छे से और देख लो। तो देखो हम तीन थापी बजाएंगे और एक चांटी की तरफ ऐसे हल्का सा ही प्रेस करेंगे। देखो दो तीन चार, दो तीन चार, दो तीन चार, तीन चार, दो तीन चार, तीन चार, दो तीन चार, तीन चार। तो देखो दोबारा से आपको बजा के दिखाती हूँ। अब देखो मैं आगे आपको एक गाने पर मैच करके दिखाती हूँ, और वो गाना अच्छा है और वो डांस वाला भी है, आप डांस पे भी गा सकते हो और वैसे भी गा सकते हो। तो मैं आइए शुरू करती हूँ। बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, तरीके से हम ढोलक डांस पर बजा सकते हैं, और धीरे वाला हो तो धीरे बजा सकते हैं। और बहनों ये वाला गाना मैंने अपनी वीडियो में अपलोड भी कर रखा है, तो आप इसको जरूर देखें। और आगे भी मैंने अनेक वीडियो डाल रखी हैं, आप कोई सी भी वीडियो देख सकती हो। तो ये सबसे सिंपल वीडियो है, इसको जरूर सीखें। और आगे मैं थोड़ा थोड़ा चांटी चलाना दिखाऊंगी अगली वीडियो में, तो आप उसे भी जरूर सीखें। तो तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।